नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली के चांदनी चौक के पास इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में कल रात भीषण आग लग गई और आग दिल्ली के ही भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी थी। चांदनी चौक का भागीरथ पैलेस जो इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा बाजार है, और आग की खबर लगते ही मौके पर 40 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो थे वो आग की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि आग तेजी से फैली थी और आग इतनी भयानक थी कि वहां पर रखे 40 से ज्यादा फायर दमकल की गाड़ियां होने के बावजूद भी आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। चांदनी चौक के ही भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी आग कल रात से ही आज सुबह तक धधकती रही, और बताया ये भी जा रहा है कि इस आग में चांदनी चौक के पास भागीरथ पैलेस मार्केट की करीब 30 से 40 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। और दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में देर रात लगी आग पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और कोई पहला ये मामला नहीं है जब दिल्ली की सूची मार्केट में इतनी भयानक आग लगी हो। और दिल्ली की इन मार्केट में आग की घटना, एक सवाल सामने ये भी निकल कर आ रहा है कि आग तो लगती है लेकिन इतनी बेकाबू कैसे हो जाती है, क्योंकि आग जब लगती है तो उसकी रफ्तार इतनी नहीं होती, और जब वो विकराल रूप में फैल जाती है तब उस पर काबू पाने की कवायद शुरू होती है, जबकि रात को सड़कें खाली होती हैं और दमकल के आने को कोई भी कठिनाई नहीं होती है। फिर क्यों आग इतनी भड़कती है और जिस पर काबू पाने के लिए इतना बड़ा अमला बुलाना पड़ता है। और जबकि चांदनी चौक के ही पुनर्निर्माण के दौरान सड़कों पर फायर सेफ्टी वाटर सिस्टम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही लगे हैं, और इनका घटना के बाद इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्या ये सेफ्टी सिस्टम सूखे पड़े हैं या फिर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर खाना पूर्ति की गई है? ऐसे कई सवाल जिनके जवाब प्रशासन और सरकार को देना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सैयद मुबशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, जिस तरह से मामला सामने आया है कि चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में भीषण आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है और यह आग किस कारण लगी है, इसकी जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? बिल्कुल सुमन, देखिए जिस तरीके से देर शाम ये आग लगी है उसके बाद तकरीबन 45 से 55 गाड़ियां जो आग बुझाने पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार आग बढ़ते जा रही थी। सवाल कई सारे खड़े हुए, जैसे आपने भी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन क्यों जागता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जिस तरीके से आग लगी, जब आग ज्यादा बढ़ जाती है तभी उसके बाद प्रशासनिक हमला हरकत में आता है। दूसरी बात, देर शाम को आग लगी थी, फिलहाल आग पे पूरी तरीके से काबू अभी तक नहीं पाया गया है। आग धीरे धीरे भड़क जरूर रही है, अभी भी थोड़ा कहीं कहीं से धुआं आ रहा है, क्योंकि आपको बता दो भागीरथ पैलेस पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कई सारे ऐसे उपकरण और चीजें और प्लास्टिक का सामान होता है जिनके कारण आग बहुत तेजी से आगे फैलती है। प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है सुमन, कि अभी जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा आग जगह जगह पे आ रही है, क्योंकि 10 से 12 गाड़ियां फायर टेंडर्स अभी भी वहां पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। गलियां थोड़ा सा जब अंदर मार्केट में आप जाएंगे थोड़ा सा पतली गलियां हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर चांदनी चौक का पूरा कायाकल्प करने की योजना सरकार की थी, वहां पर वाटर सिस्टम का काफी इंतजाम किया गया था, लेकिन वो सभी जो वाटर सिस्टम थे वो पूरी तरीके से बंद पड़े थे, ठप पड़े थे, तो ये खाना पूर्ति के तौर पर देखा जाता है। दूसरी बात, अभी तक शुरुआती जांच में लगी है और नुकसान भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है, और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर कल रात से आग लगी है तो इस पर अभी तक काबू जो है वो नहीं पाया गया है, और इसमें कितना नुकसान हुआ होगा सैयद इतनी भीषण आग में? बिल्कुल सुमन, अभी जो शुरुआती जांच में पता चला है करीब 35 से 60 के आसपास की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से जलके खाक हो गई है। जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की पूरी वो एक साइड से पूरी खाक हो चुकी है, काफी भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है कि कितना नुकसान हुआ है और आग के कारणों का अभी सही पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पुलिस ने भी कई FIR दर्ज किए हैं, इंक्वायरी कर रही है, फायर टेंडर्स अभी भी फिलहाल मौके पर मौजूद है, क्योंकि प्लास्टिक का सामान है, थोड़ा सा उसको काबू पाने में दिक्कत इस वजह से होती है कि प्लास्टिक जल्दी रिजॉल्व नहीं होती, और जब तक वो पूरी बर्न नहीं होती उससे पहले वो आग नहीं बुझती है, तो उस पर काबू पाने की भी फिलहाल कोशिश चल रही है। धीरे धीरे कहीं कहीं आग तड़पती नजर आती है, कहीं धुआं उड़ता नजर आता है, तो फायर टेंडर्स अभी भी फिलहाल मौके पर मौजूद है और पूरे इलाके को सील किया गया है। नुकसान की अगर हम बात करें सुमन, तो काफी भारी मात्रा में कह सकते हैं कि नुकसान जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं उनका भी हुआ है, जो बड़े दुकानदार हैं उनका भी हुआ है, और मार्केट एसोसिएशन से कल देर शाम जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहना था कि
ये कोई पहला मामला नहीं है जब भगीरथ पैलेस मार्केट या इसके आसपास की चांदनी चौक के इलाके में हमारे इससे पहले अभी 3 महीने पहले भी चांदनी चौक में आग लगी थी और काफी भयंकर रूप थी, वो कपड़ा मार्केट में आग लगी थी। ये इलाके ऐसे हैं थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बहुत पुराना इलाका है दिल्ली का, लेकिन सुरक्षा के नाम पर अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो सरकार पूरी तरीके से नाकाम नजर आती है। उसकी पीछे की वजह यह है सुमन कि उपकरण लगा देना, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर चीजें वहां से साफ कर देना, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर पुख्ता इंतजाम करना जो सरकार का प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जिस तरह से यहाँ पर खबर पहले भी सामने आ चुकी है कि भीषण आग लगती है मार्केट में, और इसी के साथ अगर हम बात करें कि भीषण आग में किसी के हताहत होने की भी खबर सामने आई है सैयद। देखिए कुछ लोगों के मामूली झुलसने के यहाँ से, क्योंकि रात का मामला था इसलिए मार्केट पूरी तरीके से बंद थी, इस वजह से दो से चार लोग अभी मामूली रूप से जो घायल हुए थे उनका प्राथमिक उपचार देखिए छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल किसी को गंभीर रूप से कोई दिक्कत या परेशानी या घायल होने की सूचना फिलहाल अभी तक नहीं है। जी सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। प्रदेश सरकार द्वारा एसएमपी बकाया गन्ना भुगतान और गन्ना का मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन आगामी 26 नवंबर को हजारों किसान के साथ देहरादून में महापंचायत करने की तैयारी में जुटी हुई है, और जिसके लिए किसान गांव-गांव जाकर किसानों से वार्ता कर रहे हैं। और दरअसल उत्तराखंड प्रदेश में पेरोई सत्र शुरू हो चुका है और किसान अपना गन्ना शुगर मिलों में डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि पंजाब और हरियाणा में गन्ना का मूल्य घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश की राजधानी देहरादून में भारतीय किसान यूनियन महापंचायत करने जा रही है, और जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी इस महापंचायत में शिरकत करेंगे। वहीं गवर्नर के मिलकर भी किसान के प्रति सरकार के गोलमोल रवैये के खिलाफ ज्ञापन देंगे। और किसान यूनियन के गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया है कि सरकार किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। विधायकों के महंगाई भत्ते की सरकार को फिक्र है, लेकिन किसानों को उनकी फसलों के मूल्य भी घोषित नहीं कर रहे हैं। यह सरकार केवल किसान विरोधी सरकार है जो केवल किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। एक बड़ी पंचायत है किसान यूनियन की, ये पंचायत दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तरफ हो, चूंकि 26 नवंबर को हमने दिल्ली घेरी और अभी कुछ काम में बकाया है एसएमपी का जो बकाया राजस्थान सरकार ने कर दिया, तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर रही भाई बताओ, राजस्थान में तो भारत में ही है, तो इन्हें करना कुछ नहीं ना, इन्हें जुमले जुमले पिलाने जनता भुक्की मार जनता हमारे गन्ने का भुगतान का सारे। और इसी खबर पर हमारे साथ मंगलोर से संवाददाता अखिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल, जिस तरह से मामला सामने आया है कि महापंचायत की तैयारी में अब किसान जुट गए हैं। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय किसान यूनियन महापंचायत की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि 26 नवंबर को आह्वान किया था जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत वो भी देहरादून के महापंचायत में शामिल होंगे। इसको देखते हुए जो किसान हैं वो कई दिन पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं, गांव-गांव जाकर किसानों को कहा जा रहा है पंचायत में जाने के लिए, और काफी तादाद में जो किसान हैं वो देहरादून महापंचायत में शामिल होंगे। जी अखिल, जिस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि किसानों की भारी संख्या भी इसमें मौजूदगी दिखाई दे रही है, क्या कारण है ये किसान महापंचायत करने के पीछे लगे हैं? देखिए, हमारे किसानों से बात हुई, उनको ये कहना था कि किसानों का जो गन्ना का भुगतान, और बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड सरकार ने अभी जो गन्ने का जो है मूल्य घोषित नहीं किया है, और कोई अन्य समस्या है जिसको लेकर किसान काफी संख्या में देहरादून उपस्थित होंगे और वहाँ महापंचायत करेंगे और जो गवर्नर हाउस में जाकर गवर्नर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। किसानों का यह कहना था जो किसान को शोषण कर रही है सरकार और किसानों की समस्या सुनने का नाम नहीं ले रही है, इसके उसमें जो है किसान काफी संख्या में किसान उपस्थित होंगे और 26 नवंबर को देहरादून में महापंचायत करेंगे। जी अखिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
वाटर स्पोर्ट और योगा के साथ ही जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में 3 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम का आगाज हो गया है और गंगा उत्सव कार्यक्रम के पहले दिन केदार घाट समीप योगा कार्यक्रम और जोशियाड़ा बैराज में वाटर स्पोर्ट क्यागिंग और इसके साथ ही मनेरा स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता हुई है, जिसका शुभारम्भ मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर दिया है। पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा के निसड़ी गांव में 5 वर्षीय बच्चे को निवाला बनाने का गुलदार तड़के पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार को वन विभाग की टीम पौड़ी रेंज लाया गया और जिसे बता दें आपको कि बीते मंगलवार को ही निसड़ी गांव में ही निवासी रविंद्र सिंह के 5 वर्षीय बेटे पीयूष को घात लगाकर बैठे गुलदार ने घर के समीप मार दिया था। बच्चे के शव को समीप ही झाड़ी में मिला और आपको बता दें कि घटना पर गढ़वान वन विभाग की ओर से ही क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाने के साथ गश्त बढ़ा दी थी और वन क्षेत्र अधिकारी ललित मोहन ने बताया है कि गुलदार पिंजरे में ही कैद हो गया और वन कर्मी गुलदार को पौड़ी नागदेव रेंज लाए और नागदेव रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के आसपास ही घूम रहा गुलजार बीती देर शाम में ही आंख मिचोली खेलने के बाद आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया और बताया यह भी जा रहा है कि सुबह के वक्त गुलदार के पिंजरे में कैद होने से ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गुलदार का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में बाजार बंदी के दिन इनकम टैक्स की टीम एमजे प्रॉपर्टी गढ़वाल होजरी और वीलाना होटल में ही छापेमारी करने पहुंची और आपको बताते चले कि एमजे प्रॉपर्टी और गढ़वाल होजरी के दुकानें बंद मिलने की वजह से छापेमारी नहीं हो सकी। वहीं हरियाणा और दिल्ली नंबर के कारों में ही बैठकर इनकम टैक्स के अधिकारी ऋषिकेश पहुंचे और सबसे पहले टीम ने कोयल घाटी में मौजूद एमजे प्रॉपर्टी पर छापेमारी की, मगर बाजार बंद होने की वजह से एमजे प्रॉपर्टी का कार्यालय भी खुला नहीं मिला। मौके से फोन करके एमजे प्रॉपर्टी के मालिक से संपर्क किया गया। इनकम टैक्स की टीम एमजे प्रॉपर्टी के बाहर की अभी तक डेरा जमाए हुए थे। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम एमजे प्रॉपर्टी के कार्यालय को खुलवा नहीं पाई है। वहीं दूसरी टीम रेलवे रोड पर मौजूद विलाना होटल में भी छापेमारी करने पहुंची और ये जानकारी मिलते ही होटल संचालकों में हड़कंप मच गया और होटल में घुसते ही अधिकारियों ने कई दस्तावेज जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिए। सूत्रों की माने तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले ली है। और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषिकेश से हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कई दुकानें बंद मिली है इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी हाँ, क्योंकि ये जो थर्सडे होता है वो यहाँ पर वीकली ऑफ होता है मार्केट का और अक्सर यहाँ पर जो व्यापारी लोग है थर्सडे वाले दिन आउट ऑफ स्टेशन होते हैं या तो काम के चक्कर में होते हैं या घूमने गए होते हैं। ऐसी स्थिति में जब छापेमारी हुई तो छापेमारी में जब उन्होंने उनको फोन किया तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि मैं बाहर हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ। तो इस बात को लेकर उनमें काफी गुस्सा देखने को मिला और साथ ही फिर वो लोग उनकी जो और एसोसिएट थे वहां पर जाके उन्होंने छापेमारी और रात देर रात तक वो चलती रही। ऐसे में इसको पूरे शहर में दहशत का माहौल था, जितने भी व्यापारी थे वो सब लोग इधर उधर हो गए और उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। जी संजय, जिस तरह से बताया जा रहा है कि छापेमारी की गई है, वहीं गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई है संजय? ये जो टीम थी ये उत्तराखंड की टीम नहीं थी, उत्तराखंड की टीम को सहयोग के लिए बुलाया गया था। ये टीम थी दिल्ली से आई हुई थी और हो सकता है कि जो पता चला है कि उन्होंने कहा है कि कोई बड़ी डील हुई होगी जिसका टैक्स का इन पर पहले से चल रहा है और वो टैक्स अभी तक। जी संजय, छापेमारी के दौरान क्या कुछ इसमें बरामद हो पाया है अभी तक? हाँ जी, उन्होंने उनके कागजात जब्त कर लिए, हार्ड डिस्क जब्त कर लिए और साथ ही जो उनके मुनीम लोग थे जो उनके काम करने वाले थे उनके घरों पे भी छापेमारी, अभी कम से कम 18 से 19 घंटे तक छापेमारी चलती रही। पूरे शहर में इस बात का काफी रोष था, वो लोग सब डरे हुए हैं। देखो आज व्यापारी जितने भी हैं सब डरे हुए हैं, डरता वही है जो टैक्स चोरी करता है। तो ऐसे में जो व्यापारी है वो डरे हुए हैं, छापेमारी देर रात तक चली है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे शंकराचार्य। अभी मुक्तेश्वर नंद ने ही सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में ही पूजा की है और इस दौरान उन्होंने यहां भक्तों से मुलाकात भी की है। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की प्रक्रिया के बाद ही जोशी मठ समेत हरियाली देवी और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर शंकराचार्य श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे और यहाँ रात्रि विश्राम के बाद सुबह होने कमलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई है। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दशनामी समाज को अंकित करने के लिए जो समिति बनाई जा रही है उसके विश्व प्रमुख की जिम्मेदारी कमलेश्वर मंदिर के महंत को दी गई है। साथ ही उन्होंने अंकिता हत्याकांड और श्रद्धा हत्याकांड को लेकर कहा कि जिस संस्कृति में माता बहनों का पूजा की जाती है उस देश में क्या हो रहा है और यही सोचनीय विषय है। अगर पुरानी परंपराओं को जीवित नहीं कर रखा जा सकता तो इस तरह घटनाएं बढ़ती जाएंगी। महंत आशुतोष पुरी जी, उनको दशनामी समाज को संगठित करने के लिए जो हम समिति बना रहे हैं उसके विश्व प्रमुख के रूप में हमने आज इनको नियुक्त किया है। आशा करते हैं हम कि पूरे विश्व के दशनामियों को, दरबारी दशनामियों को ये संगठित करेंगे। वस्तु है जिससे हमको आशीर्वाद मिलता रहा है, हमारे यहाँ कन्याओं का, सुवासिनियों का पूजन होता रहा है, हम उनको नाम के साथ देवी लगा करके संबोधित करते रहे। प्रदेश सरकार के निर्देश पदाधिकारियों द्वारा गोद लिए विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के अंतर्गत ही जिलाधिकारी पुलकित पने द्वारा गोद लिए गए अल्लापुर प्राइमरी स्कूल और भेजा गांव में ही मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्याओं को शीघ्र दूर किए जाने के निर्देश भी दिए। पढ़ना। आप रोज सुबह तैयार होके आते हो ना स्कूल? घर में कौन है? मम्मी पापा हैं और भाई बहन? बहन बड़ी है छोटी? छोटी। छोटी उसको नहीं लाते स्कूल? क्यों? वो छोटी है। बहुत छोटी है। कितनी छोटी है? चल लेती है, अभी नहीं चल पाती। आप बड़ी बहन हो, उसको ध्यान रखते हो? छोटी बहन का रखते हो? श्रावस्ती में कच्ची शराब कारोबारियों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान के अभियान चलाया गया है और आपको बता दें कि डीएम नेहा प्रकाश के आदेश पर यह अभियान चलाया गया है और टीम ने अलहवा और खेदपुरवा और इसके साथ ही भयापुरवा जंगल में ही छापेमारी की है। इस दौरान 40 लीटर अवैध कच्ची शराब और 100 किलो वलहन मौके से बरामद हुआ है और साथ ही दो लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ श्रावस्ती से हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि प्रवर्तन अभियान की बड़ी कार्रवाई की गई है और लहन इसके साथ ही कच्ची शराब भी बरामद किया गया है। जी, आपको बता दें जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि जो भी जिले में अवैध कच्ची शराब का निर्यात करते हैं उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए, जिसके क्रम में आज आबकारी विभाग ने कुल्हावा और खेदुपुरवा व बहापुरवा जंगल में छापामारी की है, जिसके तहत 40 लीटर अवैध कच्ची शराब और 100 किलो लहन मौके से बरामद किया गया, नष्ट किया गया। इसी के साथ दो अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई है। जी जी, इसमें कोई सूर्य कोई आरोपी भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं? जी नहीं, क्योंकि छापेमारी के दौरान आरोपी वहां से भाग निकले थे, सूचना जो मिल रही है उसके तहत वो आरोपी भाग निकले थे, उनके गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्दी जो अभियुक्त जितने हैं आरोपी थे जिसके द्वारा कच्ची शराब निर्माण कराई जा रही है उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द की जाएगी। जी, पुलिस को अभी तक कितनी सफलताएं हाथ लग चुकी है क्योंकि अभियान चलाया जा रहा है और इसमें बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है पुलिस के द्वारा? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ लगातार हर तीसरे या चौथे या पांचवें दिन लगातार अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी की जा रही है। जो सटीक जानकारी होती है उसी के आधार पर आपका विभाग छापेमारी कर रही है और छापेमारी के दौरान अवैध कच्ची शराब बनाने वाले उपकरण और लहन भी बरामद किए जाते हैं और जो अभियुक्त वहां से मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, जेल भी किया जाता है। जो भागने में सफलता पा जाते हैं उनके खिलाफ टीमें गठित कर दी जाती है, उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है। जी सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
श्रव अस्थि में आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है और स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम और इसके साथ ही डीसीओ ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि आशा बहुओं का 100% भुगतान किया जाए और साथ ही मृत और शिशु मृत्यु दर अधिक से कम करने के लिए ही स्वास्थ्य विभाग कारगर कदम भी उठाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि बिना पंजीकरण के ही संचालित क्लिनिक नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीतापुर पुलिस का अमान्य चेहरा सामने आया है, जहां पर सीओसीटी ने एक मासूम बच्चे के सामने पिता को पीटा है और पुलिस के ऐसे बर्ताव से मासूम बच्चे ने सीओसीटी का हाथ पकड़ लिया और पूरा मामला थाना खेराबाद इलाके के ही आरटीओ ऑफिस के सामने का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिता की कार से एक साइकिल सवार से टक्कर हो गई थी और जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ ने मासूम बच्चे के सामने उसके पिता को पीटा। आप अपने जीवन भर की कमाई किसी एजेंट पर विश्वास कर बैंक और डाकघर में जमा करते रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी उम्मीदों पर विश्वास का खंजर भोंककर कोई आपकी जीवन भर की कमाई लेकर फरार हो सकता है। गोरखपुर की ही आरपीएफ ने एक ऐसे ही आरोपी बंटी बबली को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया है, जो बिहार से 30 करोड़ का गबन कर साल भर में फरार हो रहे हैं। आपको बता दें कि आरपीएफ ने इस दंपति को बिहार पुलिस के सुदुर्भ कर दिया है, जो उन्हें लेकर बिहार के छपरा के लिए रवाना हो गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता धनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि 30 करोड़ की गबन का आरोप लगाया गया है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। धनेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? धनेश, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि गोरखपुर से खबर है, जहां पर 30 करोड़ का गबन का मामला सामने आया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आरोपियों को फिलहाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सुल्तानपुर में ही प्रस्ता की मौत के बाद परिजनों ने महिला अस्पताल में ही हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। बता दें आपको कि परिजन का आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और जिसके नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। बिजनौर के कृष्ण कॉलेज में ही अध्ययनरत बीबीए के छात्र शामिक दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने से झालू में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि हत्या के आरोप में ही पुलिस ने अंतिम कुमार उर्फ मुन्नू और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर धर पकड़ कर चार टीम गठित की है और घटना को झालू में ही 5 फरवरी 2021 को रचित के सरेआम हुई हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है और चर्चा हो रही है कि रचित की मौत का बदला लेने के लिए इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया और पुलिस ऐसे सभी संदिग्ध गुंडों तत्वों को सूचीबद्ध कर रही है और जो वास्तविकता में आगे नगर का माहौल खराब कर सकते हैं। सीओसीटी और अपर पुलिस अधीक्षक झालू पुलिस चौकी पर कैंप कर स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता शकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, मामला सामने आया है जनाजे में उन्हें जमसलाब का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जो शव है उसको घर पहुंचाया गया, पूरा मामला क्या विस्तार से बताइए। अभी ये जो छात्र है, बीए का छात्र है, इसके बिजनौर में जो कॉलेज है वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसपे इसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि पहले इससे पहले गांव में मर्डर हुआ था, उसी की रंजिश के ऊपर इसको गोली मारी गई है। शकील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी देने के लिए।
जहां भुगतान न होने से नाराज सैकड़ों आशा कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया है। सैकड़ों की तादाद में पहुंची आशाओं ने भुगतान किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट ने आशा बहुओं की समस्या सुन ज्ञापन दिया है और आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन के बाद आशा बहु वापस लौट गई और सीएमओ ने जल्द भुगतान कराए जाने की आश्वासन दिया है। इन लोगों की मुख्य समस्या है कि इन लोगों का वेतन कह रही हैं कि हमारा जुलाई माह से वेतन नहीं मिला हुआ है, तो उसके बाद सीएमओ साहब से कर ली गई। सभी F84 ब्लॉक के कह रहे हैं, हम सभी F84 ब्लॉक के हैं। सीएमओ साहब से इसकी बात कर ली गई, उन्होंने कहा है कि सबको मेरे पास भेजिए, जो भी भुगतान की कार्रवाई है वो वहाँ से की जाएगी। दूसरी समस्या इन लोगों ने कही है कि वहाँ के जो क्या है DCPM, उनका अभी ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको रुकवाने की बात कही। चूँकि ट्रांसफ़र प्रमोशन पर किसी का अधिकार इन लोगों का नहीं है बात करने का, वो जो कार्रवाई जो भी की जाती है विभाग की कार्रवाई होती है। उसके बाद ना करके जो मेन समस्या है उस पर कहा गया है कि आप जो वेतन की बात है उसकी बात करिए, तो उसकी बात के लिए लोगों को वहाँ ये मामला है। हमारी आशा बहनें बहुत पीड़ित थी, बहुत तकलीफ थी इनको, क्योंकि क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम मतलब काम दिया जा रहा मानते हैं, लेकिन जो पेमेंट नहीं होता हम लोग इनसे परेशान करते हैं, काम लेते हैं तो कहती दीदी जब मेरा पेमेंट नहीं होता, मेरा घर का चूल्हा नहीं जलता, हमको खाने को नहीं मिलता, मेरे बच्चे भूखे रहते, तो हम कैसे काम करेंगे। और फिर PMY वाला 5000 वाला फार्म, सुमंगला वाला फार्म, उसका OPT हम लोगों को नहीं मिलता है, 1400 नहीं जा रहा, किसी का नहीं जा रहा, तो दिक्कत है। लेकिन हमारे BCPM अगर चले जाएंगे तो हम लोगों का लग रहा पेमेंट भी चला जाएगा, इसलिए हमारे BCPM रोके जाएंगे जब तक हमारी आशाओं का पेमेंट नहीं। अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अधिकारी द्वारा ऐसे ही दिया जा रहा है कि आपका पेमेंट हो जाएगा। हमको पेमेंट से भी मतलब है, हमारे BCPM भी मतलब, हमारे BCPM रोके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।